हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गई हूँ वो टॉपिक जो हम लोग अक्सर हिचकिचाते हैं डिस्कस करने में, लेकिन लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था और बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते, वो भी हम इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो टॉपिक है पीरियड्स। अगर बात करें पीरियड्स प्रॉब्लम इन समर की, तो जनरली प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग के कारण, लॉट ऑफ इचिंग होती है, बैड ऑडर्स होते हैं, हमारे को इरिटेशन होती है और इरेगुलर पीरियड साइकिल भी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि अनन्या की पीरियड स्टोरी के बारे में, तो चलिए शुरुआत में आपको वहीं से करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट टू लास्ट दिसंबर से अनन्या को पीरियड्स स्टार्ट हुए थे और अनन्या को लकीली पीरियड्स घर पे ही स्टार्ट हुए थे और हम सब लोग घर पे ही थे। और वो ये था कि वो लोग बच्चों के साथ अपने घर पे ही अंदर हाइड एंड सीक खेल रहे थे और इवनिंग का टाइम था और उसको अचानक से उसको लगा और वो वॉशरूम गई तो उसको पता चला कि उसको पीरियड्स आ गए। तो थोड़ा सा पैनिक हुई क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसको लगा, लेकिन उसको क्योंकि पता था कि ये पीरियड्स हैं तो उसने कुछ नहीं, उसने मुझे बुलाया एंड उसने मेरे को बताया एंड मैंने उसको नॉर्मल पैड प्रोवाइड किया और उसको बताया कि कैसे लगाना है। जनरली उसको सब पता ही था बेसिकली, तो थोड़ी सी हेल्प मैंने उसको की और इस तरीके से ये थी अनन्या की पीरियड साइकिल। लकीली बहुत लोगों को स्कूल में हो जाता है या जब हम ट्रैवल करते हैं या हमारे साथ कोई गाइडेंस नहीं होता बताने के लिए, मार्केट में हो जाता है, तो ऐसा अनन्या के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो घर पे थी जब उसको पीरियड्स हुए। पहली प्रॉब्लम होती है कि बहुत इचिंग होती है और बैड स्मेल आती है। तो इचिंग के लिए क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको बहुत लाइट कॉटन पैंटीज पहननी चाहिए और मेक श्योर करें कि आपकी जो पैंटीज हैं वो एकदम नई हो, जिनके लास्टिक्स एकदम इंटैक्ट हो, क्योंकि लूज पैंटी पहनने से आपका पैड शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, जिससे कि प्रॉब्लम होती है और स्टेनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसीलिए बेटर कीजिए कि आप अपना या तो पैंटी का सेट अलग रख दीजिए पीरियड्स के टाइम के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिथ है कि मेरी पीरियड के स्टेन्स लग जाएंगे तो मैं पुरानी पैंटी पहनूं, बट उससे क्या होता है कि क्योंकि लास्टिक आपका लूज होता है तो पैड शिफ्ट हो जाता है और स्टेन पक्का लगता है। तो कॉटन की पैंटीज पहने, उससे ना तो रैशेज होंगे ना ही इचिंग। गर्मियों में बहुत जरूरी है कि हमें बेसिक हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि मैं कहूँगी कि जब भी आप अपने मेंसुरेशन कप्स, पैड्स या टैम्पॉन्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले और उसको यूज़ करने के बाद अपने वो हैंड वॉश अच्छे से करें। दूसरा, जब भी आप ये चेंज कर रहे हैं तो अपना जो आपका जेनिटल एरिया है उसको भी अच्छे से वॉश ऑफ कर लें साफ पानी से, कोई भी अदर एजेंट यूज़ ना करें क्लीनिंग के, क्योंकि उससे इरिटेशन हो सकती है और क्योंकि उस एरिया में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, उससे यीस्ट इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। तो मेक श्योर करें कि आप रनिंग वाटर या क्लीन वाटर से उसे अच्छे से साफ कर लें। और जनरली हम लोग आलस के कारण या कभी कभी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये मेक श्योर नहीं करते कि हमें अपना पैड चेंज करना है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लगभग 4 से 5 घंटे में, या मैं कहूँगी विद इन 4 आवर्स में, आप अपना पैड चेंज कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी आलस ना दिखाएं। हाइजीन के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पैड यूज़ कर रहे हैं या टेम्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं, हमें उन्हें बहुत प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो जब भी हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमें इन्हें या तो टिश्यू पेपर या तो न्यूज़पेपर या तो हम इसके लिए डिस्पोजेबल बैग भी आते हैं, उसे अच्छे से रैप करके इनके अंदर डालकर हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए और कोशिश करें कि लिड वाला डस्टबिन ही हम इसके लिए यूज़ करें। हमें बिल्कुल भी इसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से खुले में और बिना रैप किए नहीं थ्रो करना चाहिए। और अगर आप मेंस्ट्रुएशन कप यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी आप अच्छे से वॉश करके, जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है दी गई उस हिसाब से वॉश करके, किसी भी डिस्पोजेबल पैकेट में या पॉलिथिन में स्टोर करके रख दें नेक्स्ट यूज के लिए। अब जब हम वेकेशन प्लान करते हैं तो हम अपनी वेकेशन डेट के हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन वेकेशन की एक्साइटमेंट या ऑफिस या स्कूल की एक्सर्शन के कारण ये पीरियड्स की जो डेट होती है हमारी जल्दी आ जाती है। अब क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता कि हमारे पीरियड्स आ जाएंगे, तो अपने सामान में हम पैड्स या तो रखते नहीं है या तो भूल जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप वेकेशन में जा रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए एक से दो पैड रख लें, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहाँ पे सुपर स्टोर्स नहीं होते या मार्केट नहीं होते कि वैसी इमरजेंसीज में हमें पैड मिल जाए। तो इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने पैड्स हैंडी जरूर रखें। अब कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन से, अब आपकी 7 से 8 घंटे की जर्नी है, अब आपकी स्टेशन में ट्रेन तो रुक रही है लेकिन वहां आपको पैड्स तो अवेलेबल होंगे नहीं। अब या तो आप किसी से मांगे या तो आप अपने साथ ही कैरी कर लें। जनरली समर्स में स्मेल की प्रॉब्लम भी बहुत आती है, तो बहुत से लोग हम क्या करते हैं कि सेंटेड टेम्पॉन्स या पैड्स यूज करते हैं, तो इसको आप जनरली अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप रेगुलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस एरिया को अच्छे से वॉश कर लें और रेगुलरली पैड चेंज करें। इससे ऑडर की प्रॉब्लम तो दूर हो ही जाएगी और जो बॉडी में इरिटेशन होती है सेंटेड प्रोडक्ट यूज करने से वो भी नहीं होगी। समर्स में अक्सर हम प्लान करते हैं वेकेशन में जाना या वाटर पार्क में जाना या बीचेस एरिया में जाना, तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग को लगता है कि अगर उस टाइम पे पीरियड्स आ गए तो हम क्या करें, तो ऐसे में हम टैम्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चेंज लाने में इनिशियली हम हेजिटेंट होते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही एक बार ही इसे घर पे ट्राई कर लें अपने पीरियड्स के टाइम पे, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको इजी रहेगा इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। जैसे अभी अभी अनन्या को कोई वाटर पार्क जाना था और अचानक से उसकी साइकिल आ गई, तो उस टाइम पे मैंने अपनी फ्रेंड्स और बाकी कुछ डॉक्टर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया कि टैम्पॉन्स क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 14 फॉर अनन्या। सो उन लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि हाँ, इफ़ यू आर हेजिटेंट, आप रेगुलर तो यूज़ नहीं कीजिए, बट ऐसी सिचुएशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बट मैंने मेक श्योर किया कि जब वो पानी में ही है तभी वो यूज़ करे, उसके बाद उसने पैड ही यूज़ किया। तो मोस्टली फॉर 2-3 आवर्स शी यूज टैम्पॉन और उसके बाद शी शिफ्टेड टू पैड अगेन, एंड टैम्पॉन यूज़ करने में उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये जो खुसफुसाहट हो रही है वो हो रही है कि पीरियड्स आए कब या इरेगुलर पीरियड साइकिल को जज कैसे करें, और टीनेजर्स में तो आजकल ये प्रॉब्लम काफी रेगुलर आ रही है क्योंकि अब पीरियड साइकिल सबकी डिफरेंट होती है, तो कैसे जज करें कि ये इरेगुलर पीरियड्स हैं या ये नॉर्मल पीरियड्स हैं। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इरेगुलर पीरियड साइकिल है या नहीं। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेस देन 21 है या मोर देन 35 डेज है, यानी कि अगर आपके पीरियड्स आज स्टार्ट हुए और 21 डेज से पहले आ गए, या आपके पीरियड्स आज खत्म हुए और 35 डेज के बाद आ रहे हैं, तो इसे हम टर्म करेंगे इरेगुलर पीरियड साइकिल। अगर आप अपने पीरियड्स को 3 मंथ या ज्यादा से स्किप कर देते हैं, या आपकी मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो है वो ज्यादा है या बहुत ही लाइट है, तो इसे हम टर्म करेंगे इरेगुलर पीरियड। जनरली हमारे पीरियड्स लास्ट करते हैं 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन, लेकिन अगर वो 7 दिन से ज्यादा लास्ट करते हैं तो इसे भी हम लोग कहते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल। सपोज आपकी पीरियड साइकिल पहले आई 28 डेज में, अब नेक्स्ट जो आपकी पीरियड साइकिल आई वो 37 डेज में आई, और उसके बाद जो 3rd मंथ की पीरियड साइकिल आई वो आई 27 डेज में, तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो मोर देन 9 डेज का, तो इसको भी हम टर्म करते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल। लास्ट अगर आपका टैम्पॉन्स या पीरियड सोक हो रहा है 1 घंटे में, काफी हैवी फ्लो आ रहा है 1 घंटे के अंदर, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल में। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। समर्स और टीनेजर की बात करें तो पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज कम से कम 1.5 से 1 घंटे करें। दूसरा हमें बहुत जरूरी है अपनी स्लीप लेना। अब अगर हम कहते हैं कि हमें 8 से 9 घंटे की स्लीप लेना है, तो ये नहीं कि हमने दिन में अगर 4 घंटे सो लिया तो हम रात को लेट 4 घंटे सोए तो हो गई हमारी 8 घंटे की नींद। नहीं, हमें सोना है प्रॉपर टाइम में, जो कि रात का टाइम होता है, हमें अपनी प्रॉपर स्लीप को बैलेंस करना है।
तीसरा यह है कि हमें जंक फूड बिल्कुल अवॉइड तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप टीनेजर हैं, बाहर जाएंगे और वेकेशन का टाइम है, तो सबका मन करेगा कि जंक खाएं। तो कोशिश करें कि आप रिड्यूस करें अपने जंक फूड या अनहेल्दी फूड के इनटेक को और उसे सब्स्टिट्यूट करें हेल्दी फूड के साथ। समर्स में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, तो प्रॉपर वाटर इनटेक लें। तो अभी तो अप्रैल है, अब मई जून जुलाई गर्मी अभी आगे और बढ़ने वाली है, तो इन हैक्स को जरूर यूज कीजिएगा। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है पीरियड्स के बारे में तो उन कमेंट्स को भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आज तो मैंने ज्ञान दिया है पीरियड के बारे में। इससे रिलेटेड हमने अनंत्या का भी वीडियो बनाया है, जो कि कल उसके चैनल पे आएगा 2 बजे फ्राइडे को, तो देखना जरूर। और हाँ, मेरी बेटी का चैनल है माय मिस आनंद, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अनंत्या के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ही फनी वीडियोस बनाती है। और बस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।